अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बठिंडा के धोबियाना बस्ती के लोग पुदा विभाग द्वारा बस्ती खाली करवाए जाने के विरोध में दो दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। गरीब लोगों के घरों को किस तरह से खाली कराने की बात पर कही जा रही है, जिसके बाद बस्ती के लोग विरोध में मरण व्रत पर बैठे हैं। बाद प्रशासन हरकत में आया और आज जिले के SDM मरण व्रत पर बैठे हुए बस्ती के लोगों के पास गए और उन्हें वहाँ पर कहा कि पुदा विभाग द्वारा बस्ती के किसी भी व्यक्ति को नोटिस नहीं भेजा गया और न ही जगह खाली कराने की बात कही गई है। यह अफवाह है और बस्ती के ही किसी व्यक्ति ने इनमें फैलाई है। जो यह मरण व्रत पर बैठे हैं, यह पता नहीं किसकी बात सुनकर बैठ गए हैं। प्रशासन ने किसी बस्ती के लोगों को खाली करने के लिए नोटिस नहीं भेजा और न ही जबरदस्ती की है, इसलिए यह जहां पर बैठे हैं वहीं बैठे रहे और इनका मरम्मत खुलवा दिया गया है और उनको आश्वासन दिलाया गया है किसी भी व्यक्ति को घर से बेघर नहीं किया जाएगा। चाहोगे जो मरण वर्त भुख हड़ताल से बैठा बंदा नोटिस दिता नहीं गया, फिर धरने से किवें? कोई सरकार वालों नोटिस नहीं गया, ना मुंडा वालों नोटिस गया, सो ना ही साढ़े कोई नॉलेज है भी यहो जी को पुड्डा की स्कीम है इन्हों घरों बेघर करने की। कोई गल नहीं, असं यही विश्वास दवाया इन्हों के अफवाहों पर विश्वास ना करो, तो सरकारी तौर के उत्ते कोई भी यही कार्रवाई नहीं की। गुमराह किया गया किसी ने एक दूजे ओदा ही इन्हों लग रहा भी असं सर जी भुख हड़ताल का बंदा बैठा है, कदों तक प्रशासन वालों इन हॉस्पिटल लेके जाया जाए? नहीं, असं CMO साहब ने कहा एम्बूलेंस आ रही है, सो इन्हें हमने ही असं हॉस्पिटल शिफ्ट कर देने। बुजुर्ग है बंदा, जिस तरह इन्हों हटाने की गल की गई, इस तरह की कोई गल है ध्यान? नहीं नहीं, इस तरह की कोई गल नहीं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।